और आज ना मेरे पैर में ना गाय ने मार रखा है यार। सही में बहुत दर्द हो रही है। और था मेरी शादी का चूड़ा जो कि मैंने अभी भी बहुत संभाल के रखा है, बट ये इन्हें ना मार रखा है यार यहाँ पे ना। वैसे वीडियो में कम दिख रहा है ना, बट चैनल सो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 4 बजे से, बिकॉज कहना कि मुझे सुबह से टाइम नहीं हुआ। मतलब आज का दिन बहुत बिजी वाला दिन था, तो मतलब बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम हुआ। और आज ना मेरे पैर में ना गाय ने मार रखा है यार। सही में बहुत दर्द हो रही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ पे मारा है, पर पैर ना उसने मेरे ऊपर ही आ गई गाय, पता है बहुत खतरनाक सा हुआ है। तो इस वजह से भी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो हाँ, तो फिर भी मतलब कहीं जा क्या पाती, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। मतलब पैर में दर्द हो रही थी, इस वजह से हम लोग कहीं मतलब बाहर नहीं जा पाए। तो हाँ, तो चलो फिर आज का व्लॉग ना कुछ कुछ यूनिक सा है कुछ यूनिक सा है। तो आप लोग देख रहे होंगे ना, ये चूड़ियों का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ मैं आप लोगों को, चूड़ा का। एंड मैं बताऊंगी कौन कौन से चूड़ियाँ एंड चूड़ा कब कब का है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मेरी वेडिंग मतलब वीडियो वगैरह मैं अपलोड करूँ या नहीं। मतलब मैंने ऐसे आप लोगों से पूछा था, तो बहुत से लोगों के मतलब हाँ 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 यस पॉजिटिव कमेंट्स आए। और एक दो लोग ऐसे थे कि क्या ज़रूरत है ऐसे। अब ऐसा तो मतलब तुम्हारी शादी होगी, उससे हमें क्या करने हैं, ये वाली वो बात कर रहे थे। तो मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि क्या है ना, जैसे ये शादी एक मतलब यादगार पल होता है, शादी एक ही बार होती है ना। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अपने फ़ोन में अपने चैनल में कैप्चर करना चाहती हूँ, तो इस वजह से भी मैं अपलोड करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ना सेव रह जाता है। मतलब आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए वो यूट्यूब पे सेव रह जाता है। तो इस वजह से मैं उसको सेव भी करना चाहती हूँ, क्योंकि कल के दिन किसने क्या देख रखा है ना। कहीं पेन ड्राइव कहीं पे भी गुम हो सकती है मतलब, तो फिर हम दोबारा से तो बनवा नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मेरी मेमोरी सेव हो जाएगी, तो इस वजह से मैं अपलोड करना चाहती हूँ। और इसी वजह से मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था। चलो फिर वेडिंग की जो वीडियो है ना, मेरी शादी की जो वीडियो वगैरह है पेन ड्राइव में है वो, तो वो पेन ड्राइव मतलब मेरे मायके वाला पेन ड्राइव तो वही है, मायके में ही है, और यहाँ वाला पेन ड्राइव यही है। तो हम लोग इसी वाले पेन ड्राइव से शुरू करेंगे। शायद आप लोग ये बताना कि यहाँ जो मेहंदी हुई थी मतलब मेरे हस्बैंड की मेहंदी वगैरह हल्दी वगैरह वो वाली वीडियो भी डालूंगी या नहीं डालूंगी, ये बताना मुझे। फिर उसके एक दो पार्ट करके डालते रहेंगे ना, क्योंकि 2 घंटे की 2.5 घंटे की वीडियो है, तो वो पूरा एक में जा नहीं पाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे डालेंगे। यहाँ वाली पेन ड्राइव कम्प्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मेरी मायके वाली पेन ड्राइव डालेंगे। बट व्लॉग भी आते रहेंगे यहाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं व्लॉग छोड़ दूंगी। मतलब 1-2 दिन 3-4 दिन ऐसी पेन ड्राइव मतलब वीडियो डालते रहूंगी तो व्लॉग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं वीडियो मतलब पेन ड्राइव वाली जो वीडियो है मेरी शादी की वो सुबह डालूंगी और व्लॉग शाम को आते रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि व्लॉग नहीं आएगा, व्लॉग भी आएगा। आप लोग व्लॉग भी देखना और शादी की वीडियो भी देखना। तो चलो फिर आज का व्लॉग ना कंटिन्यू करते हैं। ये वाला तो ये क्या है ना, मैंने ना ऐसी रखी थी ये, तो मुझे थोड़ा सा सेट करनी है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो ये थोड़ी सी सेट करनी है मैंने, और सामने है थोड़ी सी यहाँ ये वाली है, तो ये वाली भी सेट करके रखनी है मैंने। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। मैं ऐसे गाय ने ना मार रखा है यार यहाँ पे ना। वैसे वीडियो में कम दिख रहा है ना, बट ये चेक करो यार, ऐसे ना गाय ने ना पाँव रख दिया मेरे पैर में, तो कट गया उसके पाँव में नहीं होते नुकीले नुकीले, तो उससे मेरा वो कट गया, यहाँ पे कट गया। और क्या कहते हैं,
यहाँ घुटने में भी उसने पैर रख दिया, तो घुटने में भी दर्द हो रही है आज। आज मेरा दिन ही खराब चल रहा है। तो चलो फिर ये निकालते हैं। तो ये भी निकल गया, और मैं बताते भी जाऊंगी कि कौन सा चूड़ा कब कब का है करके। मुझे ना पहले मैं अपनी शादी वाला मतलब जो चूड़ा था उसको सेट करके फिर जाके दिखाती हूँ, क्योंकि इनको सेट करना थोड़ा सा टफ ही रहता है ना, तो फटाफट से एक बार सेट कर लेती हूँ इनको, फिर जाके दिखाती हूँ आपको। ये जो कड़े बनाए थे मैंने 900 के बनाए थे, पता है ये कड़े, इसमें हमारी फ़ोटो लगी हुई है, ये दिख रही होगी आप लोगों को भी। फाइनली ये चूड़ा तो सेट हो गया। तो ये चूड़ा था मेरी शादी का चूड़ा, जो कि मैंने अभी भी बहुत संभाल के रखा है, बट ये इधर उधर बिखर गया ना, मतलब कभी पहना तो ऐसे ही हो जाता है ना, तो मैंने आज मैंने सोचा कि इसको सेट ही करके रखते हैं अच्छे से। तो चलो इसको, ये हो गया है, अब इसको रखते हैं ड्रेसिंग टेबल में, फिर दूसरा चूड़ा सेट करते हैं। तो चलो दूसरा चूड़ा भी सेट हो गया, और ये चूड़ा मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है ना, क्या बताऊँ। दो चूड़े तो सेट हो गए और बाकी ये खाली ऐसे ही हैं बेकार से, मतलब हैं तो सही बट इनको भी मैंने सेट करके ऐसे ही रखने हैं इसमें, तो एक बार कर लेती हूँ फटाफट से। पहला चूड़ा ना शादी के दिन जो उसमें आता है ना पर्स वगैरह में, तो उस दिन आया था ये वाला, बट मैं इसको पहनती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। तो चलो जी अपना सामान सेट हो गया है, ये देखो, ये देखो, तो ये मैंने सेट कर दिया कुछ इस तरह से, बाकी इससे ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो रहा था, मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर दिया। और ये वाली चूड़ियाँ संगीत के दिन की थी मेरी, बट इसमें ना वो कड़े जो थे ना वो शायद से मैंने किसी को दे दिए यार, क्योंकि किसी ने मांगे थे मेरे से शायद शादी में पहनने के लिए, तो फिर मैंने वापस नहीं लिए, बस मेरे पास खाली चूड़ियाँ हैं इनकी, और जो कड़े थे वो नहीं है, बट ये जो बीच बीच में डाले हुए थे ना ये वाले भी हैं। सिर्फ कड़े नहीं है मेरे पास, बस बाकी अब तो ये चूड़ियाँ मेरे को फिट भी नहीं आती, क्योंकि मेरे हाथ पता नहीं मोटे मोटे हो गए आजकल। बाकी ना आज मैं व्लॉग नहीं भी बना सकती थी, बट क्या हुआ ना, मैं मेरे को ना ऐसा दिल से ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं डेली रूटीन व्लॉग बनाती हूँ, एक दिन भी मिस करूँगी तो फिर मुझे ही नुकसान होगा, मतलब नुकसान तो क्या, मतलब आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो ना, तो इस वजह से ना मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा। पता है मैं दर्द हो रही थी मेरे पैर में, और दिन भर से मैं इतना बिजी थी, तो मैं सोच ही रही थी कि नहीं बनाऊँ, फिर मैंने कहा यार चलो यार बना लेते हैं, घर में कुछ तो बनाते हैं फिर ना, कुछ नहीं बनाने से कुछ तो बनाते हैं, ऐसा सोचा मैंने, तो फिर मैंने ये व्लॉग बना दिया। तो चलो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हिमा मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।